पुणे पोस्ट कांड को एक महीने से भी कम समय हुआ है कि एक और हाई प्रोफाइल व्यक्ति से जुड़ा हिट एंड रन का मामला सामने आया है। एक राज्यसभा सांसद की बेटी ने कथित तौर पर चेन्नई में फुटपाथ पर सो रहे एक व्यक्ति को अपनी BMW कार से कुचल दिया है। व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और महिला को कुछ ही देर में जमानत मिल गई है। रिपोर्ट के मुताबिक बता दें, सोमवार की रात YSR कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद बीड़ा मस्तान राव की बेटी माधुरी अपनी BMW कार चला रही थी। उसके साथ एक महिला मित्र भी थी। उसने कथित तौर पर चेन्नई के बेसेंट नगर में नशे की हालत में फुटपाथ पर सो रहे 24 वर्षीय पेंटर सूर्या को कार से कुचल दिया। अधिकारियों ने बताया कि माधुरी मौके से तुरंत भाग गई, जबकि उसकी दोस्त कार से उतर गई और दुर्घटना के बाद इकट्ठा हुए लोग से बहस करने लगी। वहीं कुछ देर बाद वह भी वहां से चली गई। भीड़ में से कुछ लोगों ने सूर्या को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। मृतक सूर्या की बात करें तो उसकी शादी को अभी 8 महीने भी नहीं हुए थे। दुर्घटना के बाद उसके रिश्तेदार और कॉलोनी के लोग J5 शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन में कार्रवाई की मांग करने लगे। जब पुलिस ने CCTV फुटेज चेक की तो पता चला कि कार BMW बीड़ा मस्तान राव ग्रुप की और पुंडुचेरी में रजिस्टर थी। माधुरी को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन पुलिस स्टेशन से ही उसे जमानत मिल गई। बीड़ा मस्तान राव 2022 में राज्यसभा सांसद बने और विधायक भी रह चुके हैं। BMR समूह समुद्री खाद्य उद्योग में से जाना माना नाम है। बता दें कि इससे पहले महाराष्ट्र में पुणे में इसी तरह का एक हाई प्रोफाइल मामला सामने आया था। नामी बिल्डर विशाल अग्रवाल के बेटे कथित तौर पर चलाई जा रही कार फोर्स ने 19 मई को तड़ाके कल्याणी नगर में एक बाइक सवार को टक्कर मार दी थी, जिस पर सवार IT पेशेवर अनीस अवधिया और अश्विनी कोस्टा की मौत हो गई थी। वे मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। वहीं पुलिस के मुताबिक किशोर शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था। बता दें, नाबालिग आरोपी को तुरंत जमानत मिल गई थी। हालांकि मामले ने तब तूल पकड़ा जब नाबालिग आरोपी को जमानत दिए जाने के संबंध में किशोर न्याय बोर्ड का फैसला सामने आया। JJB द्वारा आरोपी को सड़क सुरक्षा पर 300 शब्दों का निबंध लिखने का सहित बहुत सी आसान शर्तों पर जमानत दिए जाने के बाद यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आया। खबरी चौखट की रिपोर्ट।